इस टाइप का इसका नेक है और इसकी स्लीव पर इस टाइप की लेस लगी हुई है। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो कैसे हो आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, मेरे थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कुर्तीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो से, जो कि स्मॉल साइज से लेकर प्लस साइज तक अवेलेबल है। जो मैंने बाय की है गाइस, जो मेरा साइज है वो है 4XL। क्योंकि मैं आपका अपना साइज आपको क्यों बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे नीचे मैसेज आते हैं कि मैडम आपका कौन सा साइज है। तो मैं वेयर करती हूँ हमेशा 4XL साइज। वैसे मुझे 3XL साइज आ जाता है, लेकिन मैं जो कुर्तीज है ना उसको प्रेफर करती हूँ हमेशा एक नंबर बड़ा। तो मैं अपना 4XL साइज अपनी कुर्तीज में बाय करती हूँ। तो गाइस, मेरे से आपको आइडिया हो सकता है कि आपका साइज कौन सा होगा। तो गाइस, फॉर ये जो 20 कुर्तीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो सब मैंने 4XL में ही बाय की है। और इनके जो भी कोड्स है गाइस, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती बाय करनी है या आपको कोई भी कुर्ती पसंद आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इनके कोड्स लीजिए। मीशो पर अपने कोड्स इनके लग, जब आप कोई कोड्स मीशो पर लगाएंगे तो सीधा के सीधा आप उन कुर्तीज पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस, बहुत इजी है वहाँ से शॉपिंग करना, आपको पता है। यहाँ से आप कोड उठा के सीधा मीशो पर जाइए और वहाँ पर पिंग कीजिए, सीधा आप उन कुर्तीज पर पहुँच जाएंगे। तो गाइस, बस अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट में मुझे अपना एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज जरूर छोड़ा करो, उससे गाइस मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, एक और बात कि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप लोअर का मतलब अपनी वीडियो बनाओ, लोअर्स पे, ट्राउजर्स पे, पैंट्स पे। तो गाइस, मैं बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर आ रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मीशो पर प्लस साइज के लोअर्स बहुत कम ही अवेलेबल है। बट गाइस, मैंने पैक करी है, कर रखे हैं। जैसे ही वो ऑर्डर मेरे तक पहुँचेगा मैं जल्दी से अपनी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो अब इतना ही, बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और आज मैंने क्या बाय किया है मीशो से, मैंने अपनी एक कुर्ती बाय की है जिसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, एकदम पिंक मजेंटा कलर है। तो गाइस, ये कुर्ती मैंने बाय की है मीशो से, ये है मेरी सबसे फर्स्ट परचेज। तो ये है कुर्ती। तो गाइस, इसको मैंने बाय किया है मीशो से, इसको मैंने कलर के कारण बाय किया है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप कलर देख सकते हो, कलर वैसे भी इसका बहुत प्यारा है। तो गाइस, इसको मैंने बाय किया है 4XL में। इस टाइप का इसकी स्टिचिंग है, बीच में एक कट दिया गया है, तो जो इसको काफ़ी कुछ डिफरेंट से लुक दे रहा है। तो गाइस, इसके ऊपर बैंड कॉलर भी है। तो ये कुर्ती, अगर आप अपने यहाँ पर इसकी स्लीव्स पर ऐसे लूप्स लगे हुए हैं, तो गाइस अगर आप इसको, अगर आप ऑफिस वेयर में भी इस कुर्ती का यूज़ करते हो ना, ये कुर्ती बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप मार्केट कहीं जा रहे हो, आप इस कुर्ती को डाल के जा रहे हो, बहुत अच्छी रहेगी। रायोन की कुर्ती है, रायोन का फैब्रिक है। तो गाइस, इसकी कुर्ती का प्राइस है ओनली 298 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया है। तो गाइस, मैंने इसको किया था 4XL में बाय, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर इसमें साइज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप गाइस 4XL के हो तो आप 5XL बाय करो, आप अगर 3XL के हो तो 4XL बाय करो। अगर आप एक साइज़ भरा बाय करोगे तो ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल आएगी। मुझे इसकी साइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। मैंने जो मैं अपना प्रॉपर साइज़ बाय करती हूँ, जैसे मैं 4XL बाय करती हूँ, तो मैंने इसको 4XL में ही बाय किया था, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी इसकी जो फिटिंग है ना थोड़ी सी टाइट आई। इसलिए मैं आपको ये एक सजेशन देती हूँ, अगर आप इसको बाय करने वाले हो ना, हमेशा एक साइज प्लस में बाय करना। अगर आप 4XL साइज़ के हो तो 5XL में बाय करो। अगर आप 3XL साइज़ के हो तो 4XL में बाय करो। अगर आप 2XL साइज़ के हो तो 3XL में बाय करो। बाकी आप समझ गए, ये स्मॉल साइज से लेकर 5XL तक वहां पर अवेलेबल है। इसका जो भी कोड है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर रखा है, और इसके ऊपर छोटा छोटा सा ये पेंट वर्क है। तो गाइस, मैंने इसको काफ़ी खरोच के देखा, लेकिन वो पेंट नहीं उतरा। अगर जब हम इसको अच्छी तरह से खरोच के देखते तो पेंट नहीं उतरता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इसको वॉश भी करेंगे ना तब भी ये पेंट नहीं उतरेगा। जो उतरने वाला पेंट होता है ना, जब इसको इस टाइप से खरोचते हैं ना, तो वो पेंट उसी टाइम से उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने इसको काफ़ी खरोच के देखा है, लेकिन इसका पेंट खराब होने वाला नहीं है। तो गाइस, ये है हमारी फर्स्ट कुर्ती। और उसके बाद जो सेकंड कुर्ती मैंने बाय की है मीशो से, आफ्टर वॉश रिजल्ट की मुझे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मैडम आफ्टर वॉश की भी वीडियो करो। पर गाइस, मैं आपको बता दूँ
कि इतनी सारी कुर्तीज मैं बाय करती हूँ, सारी कुर्तीज तो मैं खुद वेयर नहीं करती हूँ, मैं इन कुर्ती को सेल्स कर देती हूँ, लेकिन जो कुर्तीज मैं अपने पास रखती हूँ उनका आफ्टर वॉश मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। तो बहुत जल्दी एक दो दिनों में वो भी वीडियो आने वाली है, आफ्टर वॉश वीडियो। तो गाइस से ट्यून। तो ये है हमारी नेक्स्ट कुर्ती गाइस, इसका कलर भी बहुत अच्छा है यार, कितने अच्छे अच्छे कलर है ना, पिंक, मजेंटा, पैरेट कलर, ये कलर भी बहुत अच्छा है, ये कलर मुझे वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। रायन का फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत कूल है, समर्स के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। वही है कि अगर आप जिस साइज के हो एक नंबर प्लस साइज में ही इसको बाय करना, अगर आप 3XL के हो तो 4XL में बाय करना, अगर आप 4XL के हो तो 5XL में बाय करना। और ये कुर्ती मैंने बाय की है ओनली 312 रुपीज की, ये मुझे मिली है 312 रुपीज की। इसका कोड भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। तो गाइस ये कुर्ती है इस टाइप की, इसका जो मतलब नेक वर्क है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, तो बहुत अच्छा नेक वर्क है, ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है बहुत अच्छी तरह से हुई है। तो गाइस आप देख सकते हो बड़ा प्यारा सा नेक है, तो इस टाइप का नेक है। और सबसे बड़ी बात तो गाइस इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसकी इस तरह की स्लीव्स के ऊपर भी इस टाइप की गोटा पट्टी की लेस लगी हुई है। तो गाइस इस टाइप की ये कुर्ती है, डेली वेयर्स के लिए बेस्ट है, और इसके घेरे पर भी इस टाइप की गोटा पट्टी की लेस लगी हुई है, और स्टिचिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। इसको मैंने ओनली 312 रुपीज में बाय किया है। तो ये है हमारी प्यारी सी कुर्ती, तो उस हिसाब से ये मुझे कुर्ती ठीक आई है। आप इसको जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो, आप इसको प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो, आप इसको लेगिंग के साथ भी वेयर कर सकते हो, और आप कैजुअल रूटीन वर्क में आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये है हमारी सेकंड कुर्ती, और उसके बाद जो थर्ड कुर्ती मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गाइस, वो भी बहुत प्यारी सी कुर्ती है। ये है हमारी प्यारी सी कुर्ती, तो गाइस ये है बहुत प्यारी सी कुर्ती। तो गाइस वैसे भी मुझे जो बार्नी प्रिंट्स है ना वो हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये बार्नी प्रिंट में है, ये नेवी ब्लू कलर में है गाइस। इसमें और भी वहाँ पर कलर अवेलेबल थे, इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ जाकर और भी कलर चेक कर सकते हो। तो गाइस ये कुर्ती कुछ इस टाइप की है, इसका जो नेक है ना, नेक पर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, और एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी बहुत क्लियर किया गया है, इस टाइप का इसका नेक है, और इसकी स्लीव पर इस टाइप की लेस लगी हुई है। तो गाइस इसकी भी मुझे साइज की वही प्रॉब्लम आई है, इसका साइज भी एक्यूरेट नहीं है। अगर आप 4XL की हो तो 5XL बाय कर लेना, अगर 3XL की हो तो 4XL बाय कर लेना। तो गाइस स्मॉल एक्सल से लेकर 5XL तक ये कुर्ती वहाँ पर अवेलेबल है। रायन का फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे ये अपने ना मतलब इस प्रिंट के कारण, अपने बार्नी प्रिंट के कारण मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसका फैब्रिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस काफ़ी अच्छी लुक दे रही थी, अगर डेली वेयर में डेली रूटीन में आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप इसको प्लाजो के साथ, लेगिंग के साथ, जीन्स के साथ, जिसके मर्जी के साथ आप इसको वेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। 362 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया है, और मैंने यहाँ पर वेयर कर रखी है, आप मेरी प्रॉपर लुक देख सकते हो, तो कितनी प्यारी लग रही थी ये कुर्ती मुझे सच में ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो गाइस ये थी मेरी 3 प्यारी प्यारी सी कुर्तीज, और उसके बाद ये जो कुर्ती मैंने पहन रखी है, इसका रिव्यू पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाकर लिंक देकर इसका रिव्यू वहाँ पर चेक कर सकते हो। और वैसे अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये रायन की कुर्ती है, और इसको ओनली 405 रुपीज में मैंने बाय किया था, और ये लुक मेरी साथ साथ चल रही है आप देख सकते हो, और इसके फुल रिव्यू के लिए आप मेरी वीडियो जरूर चेक करना, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और भी मीशो की वीडियोस जो है उसके लिंक्स हैं, अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से लिंक लेकर मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। और बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और कितनी हेल्पफुल रहती है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर।